राम राम जी। सारे ना होपफुली सारे ठीक ठाक होगी। तो आज की वीडियो में बात करेंगे एमडीयू के जो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं इनके बारे में, यानी कि जो आपके प्रैक्टिकल होगी अब की बार कब होगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ में पजल हैं कि हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम कब कंडक्ट करवाए जाएंगे, कौन कंडक्ट करवाएगा और कैसे हमें प्रैक्टिकल देनी है। तो इसके बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना और जो भी भाई चैनल पर नया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लियो। तो सबसे पहले बात करते कि आपकी प्रैक्टिकल है वो कब होती है। तो आपकी जो प्रैक्टिकल है वो आपके जो थ्योरेटिकल एग्जाम्स होते हैं उन्हीं के आसपास होती है, तो पहले होती है बाद में होती है, लेकिन इसका एक शेड्यूल होता है। जैसे कि आपके ओल्ड सेमेस्टर होते हैं ना, जैसे पहला तीसरा पांचवा सातवां नौवां सेमेस्टर, इनकी जो प्रैक्टिकल होती है वो होती है एग्जाम्स के बाद में, और जो आपकी सेकंड फोर्थ सिक्स्थ एट्थ और टेंथ सेमेस्टर होती है इनकी प्रैक्टिकल होती है आपकी एग्जाम से पहले। ये क्यों कंडक्ट करवाई जाती है इसके बारे में बात करेंगे। तो आपकी जो प्रैक्टिकल है वो इसलिए कंडक्ट करवाई जाती है एग्जाम्स के बाद, पहले तो बात करें एग्जाम के बाद क्यों करवाए, क्योंकि आगे आपका सेशन है वो पेंडिंग रहता है। ओके, यानी कि आपकी सेकंड सेमेस्टर की क्लास लगेंगी आराम से, तो बीच में जो गैप होता है उसमें आपके प्रैक्टिकल है वो कंडक्ट करवा लिए जाते हैं। उसके साथ साथ जो आपकी सेकंड सेमेस्टर की यानी कि इवन सेमेस्टर की जो आपकी प्रैक्टिकल होती है सेकंड फोर्थ सिक्स एट टेंथ सेमेस्टर की है, वो आपकी एग्जाम से पहले इसलिए करवाई जाती है ताकि बच्चे एग्जाम देने के बाद फ्री हो जाए, उनका एक साल वो कंप्लीट हो जाता है इस वजह से। ओके, तो इस वजह से आपकी जो एग्जाम से पहले और एग्जाम के बाद प्रैक्टिकल है वो कंप्लीट करवाई जाती है। अब की बार आपकी प्रैक्टिकल कब होंगी इसके बारे में बात करें, तो आपकी जो अब की बार प्रैक्टिकल है वो होंगी आपके एग्जाम्स के बाद में, यानी कि जिनके 25 नवंबर के बाद एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे तो उनके प्रैक्टिकल एग्जाम दिसंबर में होंगे, और जिनके दिसंबर में एग्जाम स्टार्ट होंगे खासकर पीजी कोर्सेज वालों के, तो उनकी जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो आपकी जनवरी में हो सकती है, फिर दिसंबर के लास्ट में आपकी जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो कंडक्ट करवाए जाएंगे। आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स है वो आपके जो यूनिवर्सिटी का रोल नंबर होता है उसके बेस पर ही कंडक्ट करवाए जाते हैं, और उसी के बेस पर आपके नंबर है वो लगाए जाते हैं। तो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में वो देना कंपलसरी होता है। अगर कोई बच्चा प्रैक्टिकल एग्जाम में फेल होता है तो उसको फिर थ्योरी भी देनी पड़ती है, तो इससे अच्छा किया प्रैक्टिकल एग्जाम जरूर दे, प्रैक्टिकल जरूर बनवाए और खुद बना के दे। सो आज की वीडियो में यही अपडेट देनी थी। अगर आपका कोई और डाउट रहता तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। सो मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम।